साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट चौक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे, हालांकि ये दुबई से रिलेटेड नहीं है, कोई भी कंट्री अगर आप जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे तीन घंटे पहले क्यों बुलाया जाता है। यानी इसमें टिकट में भी ऑप्शन आपको दिया होगा, सबको पता ही है कि 3 घंटे पहले आपको पहुँचना जरूरी है। इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या रीज़न हो सकते हैं, कभी आपने नोट किया? तो चलिए मैं आपको 5 पॉइंट पे बात करूंगा कि आपको एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले क्यों जाना जरूरी होता है, इसका क्या रीजन है और आपको क्या बेनिफिट होते हैं, आपको क्या नुकसान होने का तो कोई चांस नहीं। अगर आप पहले जाते हो तो नुकसान कोई नहीं होता, फायदा ही होता है। तो चलिए 3-4-5 चीजें आपको मैं बता दूं, आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो मैं क्लियर कर दूंगा। पहला रीजन इंपॉर्टेंट होता है साथियों, सिक्योरिटी रीजन। जी हाँ साथियों, एयरपोर्ट पे जा रहे हो, इंटरनेशनल आप बोर्डिंग कर रहे हो, इंटरनेशनल आप फ्लाइट ले रहे हो, दूसरे देश में जा रहे हो, तो साथियों सिक्योरिटी रीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, उसमें आपके सब कुछ, आपका सिस्टम चेक किया जाता है। आपको पता ही होगा कि पट्टे पे सामान रखना और आपको उसके अंदर से निकालना, कई रीजन होते हैं, तो सिक्योरिटी रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करने का के लिए। आपको उसमें पहले आपको बुलाया जाता है ताकि आराम से सिक्योरिटी आपका कंप्लीट हो जाए। दूसरा रीजन साथियों ये है डॉक्यूमेंट्स चेकिंग। जी हाँ साथियों, इंटरनेशनल अगर आप फ्लाइट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट चेकिंग होने बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कमी है किसी भी चीज़ में, टिकट आपका प्रॉब्लम आ रही है, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है, आपके कुछ सामान कुछ ऐसा है कि उसमें आप लेके नहीं जा सकते, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो डॉक्यूमेंट चेकिंग में जैसे वीज़ा चेक करना होता है, टिकट चेक करनी होती है, इमिग्रेशन चेक करना होता है, ये बहुत सारे रीज़न होते हैं। इस वजह से आपको पहले वहाँ पहुँचना ज़रूरी होता है। 3 घंटे का मतलब होता है एक फ्लाइट, कितनी फ्लाइटें होती हैं उसमें भीड़ लगी होती है, लाइन में लग के अपने को हर चीज़ की चेकिंग करवानी पड़ती है, तो उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए अपने को पहले पहुंचना 3 घंटे जरूरी होता है। दूसरा तीसरा पॉइंट है सामान की चेकिंग। जी हाँ साथियों, सामान चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से कुछ भी डाल के ले जाओ लेकिन वहाँ जाओगे तो निकालना पड़ेगा अगर आप गलत सामान लेके जा रहे हो। आपके पास जो लीगल है वहाँ के लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप जो सामान लेके जाओगे वो ही लेके जा सकते हो, दूसरा सामान अगर आपके पास है तो आपको वहीं छोड़ना पड़ेगा, आप लेके नहीं जा सकते। सामान चेकिंग करवाना पड़ता है, उसमें लाइन में लगना पड़ता है, 200-300 आदमी लाइन में लगे होते हैं, धीरे धीरे सिस्टम बढ़ता रहता है तो उसमें भी टाइम लगता है, इसलिए अपने को पहले पहुंचना जरूरी होता है। लगेज करना। जी हाँ साथियों, आपके पास सामान है, आपके पास हैंड बैग है, आपके पास 2-4 और बैग हैं, बहुत सारे सामान लोगों के पास होते हैं, कितना सामान होता है आप अपने ऊपर मत लो, आपके साथ 200-400 आदमी है, सबके सामान कितना सामान है, तो लगेज करवाने में भी टाइम लग जाता है, काउंटर लंबी सारी लाइन लगी है, ठीक है, एक मैडम बैठी है वो धीरे धीरे काम कर रही है, तो उसमें देखो कितना, कई बार आधा आधा घंटा लगेज करवाने में लग जाता है, उसको पर्ची स्लिप लेना, फिर पर्ची चिपकाना, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो लगेज करवाने में भी टाइम लग जाता है, इसलिए आपको पहले पहुंचना जरूरी होता है। मेन पॉइंट है कि अगर आप 3 घंटे के बाद 3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, जो मैंने पॉइंट बताए हैं आराम से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार फ्लाइट आगे पीछे हो जाती है, कई बार क्या होता है निर्धारित समय से आधे घंटे पहले प्लेन उड़ जाती है, कई बार ऐसा देखा होगा कई बार 2-2 घंटे लेट हो जाती है, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो इस 5वां रीज़न साथियों, आराम से आप कोई भी काम को आराम से कर पाओ, क्योंकि हड़बड़ी में कोई काम नहीं होता। आप 3 घंटे पहले गए हो, आपका सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट कंपत्ति हो तो उसमें सुधार हो जाएगा, सामान आपका चेक हो जाएगा, लगेज आपका हो जाएगा, पूरा काम आप तसल्ली से कर सकते हैं, इसलिए आपको 3 घंटे पहले आपको बुलाया जाता है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट होता है। तो साथियों वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लोगों को भी अन्य को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ जो पास में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नई अपडेट में डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे सही नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे सही जानकारी सही मोटिवेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।